चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 66 से भाजपा पार्षद के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। मतदान के लिए 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। परिणाम 27 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, वार्ड नंबर 66 के लिए उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है, कितने फीसदी अब तक मतदान हो चुका है और मतदान प्रक्रिया कैसी चल रही है? देखिए, ग्रेटर नगर यहाँ पर अगर बात करें जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 66 की, तो सुबह 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और लगभग 10,272 के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं वो रजिस्टर्ड हैं जो कि मतदान करने वाले हैं। लेकिन अभी जो अपडेट आई है, 2 बजे की अपडेट आ चुकी है और अभी ये मान के चलिए कि 3 घंटे का समय शेष बचता है, लेकिन लगभग यहाँ पर 54 से 55% तक मतदान हो चुका है। और क्योंकि अलग अलग यहाँ पर 7 सेंटर बनाए गए हैं, उनके अनुसार ही इस चीज को लेकर बताया जा सकता है कि अब फिलहाल मतदाताओं में रुचि देखी जा रही है। लेकिन अब 3 घंटे का समय बचा है, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। हालांकि सुबह से ही यहाँ पर जो मतदाता थे वो मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर बात करें इसके अलावा जो और जो 24 पंचायतें हैं जहाँ सरपंचों के भी चुनाव आज हो रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी 13 जो नगरीय निकाय हैं जिसमें जयपुर के अलावा बीकानेर नगर निगम का एक वार्ड है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और कई नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्ड भी इसमें शामिल है, उनमें भी आज जो चुनाव है बाई इलेक्शन उसकी प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।